नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहलां पेश ने चोणां दीआं खबरां। भारतीय चोण कमिशन वल्लों लोक सभा चोणां दे 7वें ते आखिरी गेड़ लई कल जारी होवेगी नोटिफिकेशन। पंजाब दीआं 13 लोक सभा सीटां लई उम्मीदवारां वल्लों नामजदगी पत्र दाखल करन दा सिलसिला भलके तों होवेगा शुरू। चोण कमिशन ने पंजाब विच लोक सभा चोणां लई जनरल अते पुलिस ऑब्जर्वरां नूं कीता नियुक्त। भाजपा वालों पंजाब विच चोण प्रक्रिया नूं पटड़ी तो उतारन की शिकायत मगरों पंजाब दे मुख चोण अधिकारी ने डीजीपी तो मंगी रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय यूनिवर्सिटी धर्मशाला की 7वीं कन्वोकेशन विच कीती शिरकत। कहा परिवर्तन का दौर तेजी नाल बदल रहा है ते आदमी विच सिखण दी चाहत होनी चाहिए। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने सूबे के किसानों नूं पानी की वरतों संजम नाल करन दी कीती अपील। खराब मौसम और बर्फीले तूफान कारण 10 दिन बंद रहने मगरों श्रीनगर लिए राजमार्ग अज तो खुलिया। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब दीआं 13 लोक सभा सीटां लई चोण अमल भलके तो शुरू हो जाएगा ते उम्मीदवारां वल्लों अपनी नामजदगी पत्र दाखिल कराउण दा सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। पंजाब विच 7वें ते आखिरी गेड़ दौरान 1 जून नूं वोटां पुआईआं जाणीआं ने। चोण कमिशन वल्लों बकायदा भलके 7वें गेड़ दीआं लोक सभा चोणां लई नोटिफिकेशन जारी कीता जाएगा। नामजदगी पत्र 14 मई तक दाखिल करवाए जा सकणगे। 15 मई नूं नामजदगी पत्रां दी जांच पड़ताल होवेगी ते 17 मई तक उम्मीदवार अपने नाम वापस लै सकणगे। पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने 13 हलकियां लई अपने उम्मीदवारां दा ऐलान पहलां ही कर दिता है। कांग्रेस वल्लों फिरोजपुर हलके लई उम्मीदवार अजे ऐलानिया जाणा है ते भारतीय जनता पार्टी ने भी आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर अते संगरूर तों अपने उम्मीदवार ऐलानणे ने। बहुजन समाज पार्टी वालों भी ज़्यादातर हल्कों लिए अपने उम्मीदवार ऐलाने जा चुके हैं। 7वें ते आखिरी गेड़ विच पंजाब सने 7 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश दी 57 सीटों लिए चोणां होणगियां। उत्तर प्रदेश ते पंजाब दी 13-13, पश्चिमी बंगाल दी 9, बिहार दी 8, उड़ीसा दी 6, हिमाचल प्रदेश दी 4, झारखंड दी 3 ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दी 1 सीट लई 7वें ते आखिरी पड़ा लई 1 जून नूं मतदान होवेगा। इस गेड़ विच उत्तर प्रदेश के वाराणसी पार्लीमानी हल्के तो बीजेपी के सीनियर नेता ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई नूं अपने नामजदगी पत्र दाखिल करवाउणगे। उधर पंजाब के गुआंढी सूबे हिमाचल प्रदेश में 4 पार्लीमानी हल्कों में भावें कि होरना सियासी पार्टियां ने भी अपने उम्मीदवार ऐलाने ने, पर मुख मुकाबला भारतीय जनता पार्टी ते कांग्रेस विचाले होवेगा। हमीरपुर पार्लीमानी हल्के तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 4थी बार चोण लड़ रहे हैं ते उन्हां दा मुकाबला कांग्रेस के सतपाल सिंह रायज़ादा नाल होवेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मंडी पार्लीमानी हल्के तो कंगना रनौत नूं अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह नाल होवेगा। शिमला पार्लीमानी हल्के तो भारतीय जनता पार्टी के सुरेश कश्यप ते कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी विचाले होवेगा। कांगड़ा पार्लीमानी हल्के विच कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा ते बीजेपी के राजीव भारद्वाज विचाले होवेगा। उधर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की इक्को एक लोकसभा सीट वास्ते भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद किरण खेर नूं टिकट ना दे के संजय टंडन नूं टिकट दिती है। कांग्रेस ने इस हल्के तो मौजूदा सांसद ते साबका केंद्रीय मंत्री मनीष तिवाड़ी नूं अपना उम्मीदवार बनाया है। लोक सभा चोणां दे तीजे गेड़ लई सारियां तैयारियां मुकम्मल कर लईआं गईआं ने। इस गेड़ विच कल 11 राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दीआं 92 सीटां ते मतदान होणा है। इस लई 1351 उम्मीदवार चोण मैदान विच ने। जम्मू कश्मीर दी अनंतनाग राजौरी सीट उपर मतदान 25 मई तक टाल दिता गया है। गुजरात दे सूरत पार्लीमानी हल्के तो भारतीय जनता पार्टी बिना मुकाबला जीत चुकी है। तीजे गेड़ दीआं वोटां दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, परशोत्तम रूपाला, प्रहलाद जोशी, एसपी सिंह बघेल, मध्य प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ते दिग्विजय सिंह अते बदरुद्दीन अजमल वर्गे वड्डे आगुआं दी किस्मत दा फैसला भी होवेगा। भारतीय चोण कमिशन ने पंजाब विच लोक सभा चोणां लई जनरल ते पुलिस ऑब्जर्वरां नूं नियुक्त कीता है। ये ऑब्जर्वर 14 मई नूं अपना कामकाज संभालणगे। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी सिबन सी ने दस्सिया कि वख-वख राज्यां तों भारतीय प्रशासनिक सेवावां दे
13 अधिकारियों जनरल ऑबजरवर नियुक्त किया गया है तो भारतीय पुलिस सेवा के 7 अधिकारी पुलिस ऑबजरवर नियुक्त किए गए हैं। गुरदासपुर लोकसभा हलके लिए के महेश, अमृतसर पार्लीमानी हलके लिए सिद्धार्थ जैन, खडूर साहिब लिए अभिमन्यु कुमार, जलंधर लिए जे मेगानंथा रेड्डी, होशियारपुर लिए डॉक्टर आर आनंद कुमार जनरल ऑबजरवर नियुक्त किया गया है। आनंदपुर साहिब लिए डॉक्टर हीरा लाल, लुधियाना लिए दिव्या मित्तल, फतेहगढ़ साहिब लिए राकेश शंकर, फरीदकोट लिए रूही खान, फिरोजपुर लिए कपिल मीना, बठिंडा लिए डॉक्टर एस प्रभाकर, संगरूर लिए शाहनवास एस, ते पटियाला लोकसभा हलके लिए ओम प्रकाश बकोरिया जनरल ऑबजरवर नियुक्त किए गए ने। भारतीय मालिया सेवा के 15 अधिकारियों खर्चा ऑबजरवर के तौर पर नियुक्त किया गया है। चोन कमिशन वालों वोटरों की सहूलत लिए कई मोबाइल ऐप्स बनाई गई ने। अजिहे एक मोबाइल ऐप वोटर हैल्पलाइन प्ले स्टोर तो डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप राही वोटर अपनी वोट पोलिंग बूथ हाथ संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अपनी वोट बूथ नंबर चोन कमिशन के लिंक electoralsearch.eci.gov.in ते जाके अपने वोटर पहचान पत्र का नंबर भर के अपने राज का नाम भर के कोई भी अपना बूथ नंबर ते वोट लिस्ट विच अपना सीरियल नंबर जान सकता है। पंजाब बीजेपी के एक वफद ने सूबा प्रधान सुनील जाखड़ की अगवाई में पंजाब के मुख चोण अधिकारी सिबन सिंह नाल मुलाकात की। उन्होंने दिए गए मांग पत्र में कहा गया कि पंजाब में भाजपा उम्मीदवारों नूं चोण प्रचार करन दे अधिकार तो इनकार जां रोकना चोण प्रक्रिया नूं पटड़ी तो उतार रहा है। सुतंत्र अते निरपक्ष चोणां ते प्रचार करन दा अधिकार हमेशा वधदे फुलदे लोकतंत्र विच महत्वपूर्ण तत् रहे ने। मुख चोण अधिकारी नूं दिए गए पत्र विच बीजेपी वफद ने हाल विच वापरियां उन्हां घटनावां दा जिक्र किया गया है जिस विच बीजेपी उम्मीदवारां दे चोण प्रचार विच विघन पाया गया है। पंजाब दे डीजीपी मुख सकत्तर ते होर चोणां नाल संबंधित मशीनरी नूं इह गल यकीनी बनाउण दी अपील की गई है कि बाकी पार्टियां वांग बीजेपी दे चोण प्रचार विच वी कोई रुकावट ना आवे। बाद विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं सुनील जाखड़ ने कहा कि मुख चोण अधिकारी सिबन सिंह नूं बीजेपी उम्मीदवारां दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई कहा गया है। इलैक्शन कमिश्नर साहब नूं जिहड़ी गल कह के आए आ, पहली गल तां मैं कही है वी मैं इस गल ते नहीं, इहदे नाल एडवोकेट जनरल या पंजाब सरकार दे नाल मैं इस गल ते सहमत नहीं भी पंजाब दे अंदर आतंकवाद पैर फैला रहा है। मैं क्या जी, मैं उम्मीद करदा, होप, आई होप भी आ जिहड़े बयान दिते है झूठे है, भी इन्हां ने सिर्फ अपनी भूमिका बनाउण वास्ते एवें जाके उत्थे गल कहती, इहदे विच कोई आधार नहीं। जे इहदे आधार है फिर इलैक्शन वफद भी सूबा जनरल सकत्तर जगमोहन सिंह राजू, परमिंदर सिंह बराड़, लीगल सैल के कन्वीनर एन के वर्मा, राज मीडिया मुखी विनीत जोशी शामिल सन। इस दौरान पंजाब के मुख चोण अधिकारी सिबन सिंह ने डीजीपी तो इस संबंधी तत् खोज और कार्रवाई की रिपोर्ट मंगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हिमाचल प्रदेश केंद्रीय यूनिवर्सिटी धर्मशाला की 7वीं कन्वोकेशन में शिरकत की थी। कन्वोकेशन दौरान ती होनहार विद्यार्थियों गोल्ड मैडल नाल सम्मानित किया गया। 709 विद्यार्थियों डिग्रियां दित्तियां गईयां। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन का दौर तेजी नाल बदल रहा है, आदमी में सीखने की चाहत होनी चाहिए। मैं विद्यार्थियों के अभिभावकों और प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की वजह से ही ये सभी विद्यार्थी आज ये उपलब्धि हासिल कर सके हैं। ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी को भी मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि में सम्मानित किए जाने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस मौके होना तो इलावा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सिक्ख्या हरेक लिए बहुत लाजमी है क्योंकि यह तरक्की, खुशहाली और सशक्तिकरण के दरवाजे खोल दिए। वो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 8वीं स्थापना दिवस में संबोधन कर रहे सन। धनखड़ ने कहा कि सिक्ख्या समाज में वड्डा बदलाव लिया सकती है क्योंकि यह बराबरी लियाउंदी है ते असमानतावां नूं दूर करदी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन भारत सिक्ख्या ते ज्ञान दा केंद्र रहा है। पंजाब दे बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने सूबे दे किसानां नूं पानी दी वरतों संजम नाल करन दी अपील की थी।
पटियाला तो जारी एक बयान विच उन्हां कहा पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड PSPL वालों कणक की वाढ़ी मुकम्मल होने उपरंत ट्यूबवैलों दी जाने वाली बिजली की सप्लाई दिन वेले देना शुरू कर दिया गया है। उन्हां कहा कि PSPL कोल बिजली की कमी नहीं है परंतु सूबे अंदर जमीन हेठले पानी की स्थिति देखदिया किसान जरूरत मुताबिक ही ट्यूबवैल चलाउण। बिजली मंत्री ने कहा कि साडा फर्ज बनता है कि असीं आउण वालियां पीढ़ियां लई पानी बचाईए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय हवाई सेना के काफले उपर हमला करने वाले अतवादियों को गिरफ्तार करने सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान आज तीजे दिन भी जारी है। भारतीय सेना ने दो अतवादियों के स्केच जारी किए ने ते उन्हां उपर 20 लाख रुपए का इनाम ऐलाना गया है। खुफिया एजेंसियों का मनना है कि काफले ते हमला लश्करे तैयबा के विदेशी अतवादी अबू हमजा की अगवाई में अतवादियों के एक समूह ने किया। अधिकारियों ने दस्सिया है कि AK असाल्ट राइफलों के अलावा अतवादियों ने अमरीका विच बने M4 कारबाइन और स्टील दी गोलियां का भी इस्तेमाल किया। BSF खुफिया विंग ने जिला अमृतसर के सरहदी खेत्र विच एक ड्रोन की मौजूदगी बारे जानकारी सांझी की थी, जिससे तुरंत कार्रवाई करदिया BSF ने शकी इलाके विच व्यापक तलाशी मुहिम चलाई और पिंड रतन खुरद नाल लगते एक वाडी वाले खेत्र विचों टुटा एक ड्रोन बरामद किया। यह ड्रोन चीन का बनिया होया है। भरोसेमंद जानकारी और ड्यूटी निभाने वाले BSF के जवानों ने हैंडलर वालों भेजे गए एक ड्रोन को मुड़ सफलतापूर्वक मुड़ बरामद किया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु रामदास जी के 450 साल गुरतागद्दी दिवस से श्री गुरु अमरदास जी के 450 साल ज्योति जोत दिवस मौके करवाए जाने वाले समागम संबंधी अज गोइंदवाल साहिब विखे धर्म प्रचार कमेटी वालों विशेष एकत्रता की गई। वख-वख पंथक जथेबंदियां निहंग सिंह कार सेवा उदासी ते निर्मले संपर्दावां सिंह सभावां सिख बुद्धिजीवियां ते विद्वानां ने इस विच शिरकत की। इस एकत्रता दौरान सितंबर महीने मनाईया जाने वाली इन शताब्दियों संबंधी विचार चर्चा की गई ते वख-वख जथेबंदियों वालों पुजे नुमाइंदियों के सुझाव प्राप्त किए गए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्र भाई रजिंदर सिंह मेहता ने पुजिया समूह शख्सियतों का अपने सुचजे ते कीमती सुझाव देने लई धन्नवाद किया। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स एक बार फिर पुलाड़ विच जाने लई तैयार है। ये तीसरा मौका होगा जो पुलाड़ विच जाएगी। इस बार उन्होंने नाल नासा के विज्ञानी बुच विलमोर भी जाएंगे। दोवें तजर्बेकार पुलाड़ यात्री बोइंग के स्टारलाइनर पुलाड़ वाहन विच सवार होकर पुलाड़ विच जाएंगे। ये पहला मनुखी पुलाड़ वाहन होगा जो भलके 7 मई को कैनेडी स्पेस सेंटर तो भारतीय समय अनुसार सवेरे 8:04 लॉन्च होगा। डॉक्टर दीपक पांड्या ते बोनी पांड्या दे घर जमी सुनीता विलियम्स मनुखी पुलाड़ वाहन दे पहले मिशन ते उड़न वाली पहली औरत होवेगी। वह 2006 ते 2012 दो बार पुलाड़ विच जा चुकी है। विलियम्स ने दो मिशनों विच पुलाड़ विच कुल 322 दिन बिताए हैं जो अपने आप दे विच रिकॉर्ड है। खराब मौसम अति बर्फीले तूफान कारण 10 दिनों तक बंद रहने मगरों श्रीनगर ले हाईवे नूं खोल दिता गया है। इस 434 किलोमीटर के हाईवे नूं दोबारा खोलण नाल लद्दाख के यात्रियों अति वसनीकों नूं राहत मिली है। जिक्र होगी कि जुजीला ते मीना मार्ग ते बर्फबारी ते बर्फ जमन कारण हाईवे नूं बंद कर दिता गया सी। शुरुआती तौर ते हाईवे नूं दोबारा खोलण नूं यात्री वाहनों तक सीमित कर दिता गया है। इस महत्वपूर्ण राजमार्ग दे नाल वाहनों की आवाजाई के सुरक्षित रस्ते नूं यकीनी बनाउण लई बार्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन तनदेही नाल काम कर रहा है। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और सोशल मीडिया प्लेटफार्म X ते भी देख सकते ने। ते बुलेटिन दे अखीर विच चुनवीआं खबरां एक बार फिर तो भारतीय चोण कमिशन वालों लोक सभा चोणां दे 7वें ते आखिरी गेड़ लई कल जारी होवेगी नोटिफिकेशन। पंजाब दीआं 13 लोक सभा सीटां लई उम्मीदवारां वालों नामजदगी पत्र दाखिल करन दा सिलसिला भलके तो होवेगा शुरू। चोण कमिशन ने पंजाब विच लोक सभा चोणां लई जनरल अते पुलिस ऑब्जर्वरां नूं कीता नियुक्त। भाजपा वालों पंजाब विच चोण प्रक्रिया नूं पटड़ी तो उतारन दी शिकायत मगरों पंजाब दे मुख चोण अधिकारी ने DGP तो मंगी रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय यूनिवर्सिटी धर्मशाला की 7वीं कन्वोकेशन विच कीती शिरकत। कहा, परिवर्तन का दौर तेजी नाल बदल रहा है, आदमी विच सीखने की चाहत होनी चाहिए। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने सूबे के किसानों को पानी की वरतों संजम नाल करन दी कीती अपील। खराब मौसम और बर्फीले तूफान कारण 10 दिन बंद रहने मगरों श्रीनगर ले राजमार्ग आज तो खुलिया। तेज़नारी खबरों का बुलेटिन खत्म होता है, इजाजत दियो, नमस्कार।